हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पे। तो गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, मैं भी स्वस्थ हूँ और सुबह सुबह देख रही हो गाइस, मैं अपना चूल्हा जो है वो पुताई कर रही हूँ गाइस। अभी दीपावली के समय में गाइस कुछ पकौड़ी वगैरह हम लोग बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा तेल का छींटा पड़ गया है तो काला काला दिखाई देता है। नहीं तो तुरंत मतलब चूल्हा को मैं पुताई करती हूँ, फिर भी से मतलब तेल जो है उसका दाग नहीं जा रहा है गाइस। इसको फिर से मेरे को मिट्टी देना पड़ेगा, तभी तेल मतलब नहीं दिखाई देगा। लिपने के बाद जितना देर तक कच्चा रहता है उतना देर तक तेल का धब्बा जो है नहीं दिखाई देता है। जब वो सूख जाता है ना, फिर से दिखाई देने लगता है काला काला, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं भी बार बार पुताई तो कर रही हूँ करने के लिए, बट फिर से सूख जाने के बाद वही नज़र आता है काला काला। तो गाइस, अभी सुबह का 5 बज रहा है और मैं अकेली उठी हूँ गाइस घर पे, सब कोई सो रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ज़्यादा अभी काम पड़ जा रहा है गाइस, खेत जाना, घर का काम, तो अधिक काम देखना पड़ जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ मैं। जल्दी जल्दी सुबह अपना काम निपटा करके खेत जाना पड़ता है, और खेत भी निकट नहीं है गाइस, बहुत दूर है। हम लोग के गांव से कम 5-6 किलोमीटर है। दूसरे गांव में हम लोग बंधिक पकड़ के खेती करते हैं गाइस, तो इसलिए हम लोग को जाना पड़ता है वहां पर। और खेत में भी वहां से जाने के बाद बहुत दूर चलना पड़ता है, तब कहीं खेत हम लोग पहुँच पाते हैं गाइस। तो देख सकते हैं मेरा चूल्हा जो है लिपा करके तो कंप्लीट हो गया है, और मैं अभी आग जला दे रही हूँ। आग भी जलते रहेगा और मेरा लिपा हुआ भी सूखते रहेगा गाइस, क्योंकि आग जो है ना बहुत लेट करता है। अभी 5 बज चुका है, 6 बज ही जाएगा इसको जलते जलते आग को, तो इसलिए मैं जला दे रही हूँ। और कोयला आग है तो जलने में लेट लगता ही है, और लकड़ी से तो बनाती नहीं हूँ, आदत हो गया है कोयला आग से, इसलिए अच्छा लगता है कोयला आग में। और लकड़ी आग जो है अभी ठंडा के मौसम में ना काला हो जाता है, तो मांजने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह, और कोयला आग में काला नहीं होता है गाइस। तो मैं अपना आग तो जला ली हूँ, बट अभी सुबह सुबह आंगन झाड़ रही हूँ गाइस। तो देखिए गाइस, मैं आंगन तो झाड़ ली, बट देख सकते हैं सूर्य, देखिए वो पेड़ के पास जो है अभी निकल रहा है, जस्ट अभी सुबह हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, और अभी मेरा आग जल ही रहा है। और मैं अपना बर्तन साफ कर ले रही हूँ उतना तक मेरा आग जलते तक। तो गाइस, से बहुत ज़्यादा ठंड है, पानी छूने का मन नहीं करता है, बट क्या करें, करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए मैं अपना बर्तन जो है वो साफ कर रही हूँ गाइस। और अभी खाना सब्जी बनाना है इसके बाद में, जब बर्तन साफ हो जाएगा तब। और मेरा आग भी जल जा रहा है क्योंकि 1 घंटा में हो जाता है। तो गाइस, बर्तन मेरा साफ हो चुका है, तो आग भी मेरा जल चुका है। तो देखिए मैं उसमें पानी रख दी हूँ आग में, तो चावल निखार रही थी गाइस। और मेरा मुर्गी देख सकते हो, रोज दिन सुबह सुबह इसका आदत है, इसको ना दूँ ना तो ये सही करती है मुर्गी, देख रहे हैं। जब तक इसको नहीं देती हूँ और छीट देने से नहीं खा पाती है, इसका जो है खाने वाला चोंच जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। जब छोटी थी उस टाइम पे इसको कुछ बीमार हो गया था, तो मरने को तो नहीं मरी लेकिन खाने नहीं पाती है, मतलब हाथ से दो तो उसको खा लेती है। तो इसको रोज दिन खिलाती है छोटी, रोज दिन तो आदत हो गया है, इसलिए चावल निखारती हूँ तो ये आ ही जाती है मेरे पास। तो गाइस देख सकते हैं, मैं खाना तो पका चुकी हूँ, बट अभी
सब्जी जो है वो पकाना बाकी रह गया है, तो मैं गोभी और आलू को काट ली हूँ और उसी को बना रही हूँ गैस। अभी फ़िलहाल कुछ सब्जी नहीं है तो गोभी और आलू को ही, और खेत में ले जाने के लिए गैस मैं सुबह सुबह ही मतलब उठते के साथ ही पकाई थी रोटी, उसको नहीं दिखाई क्योंकि रात में गैस वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ तो चार्ज बचता नहीं है, इसलिए मैं सुबह उठी उसके बाद मोबाइल को फिर से चार्ज में कर दी और अपना काम शुरू कर दी। फिर जब चार्ज हुआ तब आप लोगों को फिर से दिखाना स्टार्ट की मैं, इसलिए सुबह सुबह लकड़ी में बनाई मैं रोटी उसको नहीं दिखा पाई। तो अभी जो है सब्जी बना रही हूँ, देखिए अभी टमाटर जो है वो काट रही हूँ गाइस, और हमारे यहाँ अभी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और बहुत अधिक ठंड बढ़ गई है गाइस, यहाँ कुछ काम करने का मन नहीं करता सुबह सुबह, लेकिन क्या करें, साल भर का खेती है उसको भी नहीं टाइम पे करेंगे तो वो भी ख़राब हो जाता है ना, जल्दी नहीं काटने से पूरा धान गिर जाता है। और अभी जो है ना हल्का बादल बादल भी आ रहा है, पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा है, पानी भी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा उसके लिए भी हड़बड़ी छाए हुए हैं सबके सब, टेंशन सब तरफ मतलब है, घर का काम भी है बाहर का काम भी है बच्चों को भी देख रेख। और अभी जब से खेत में काम चल रहा है तब से कपड़ा लत्ता सब बच्चों का ऐसे ही पड़ा है, सबको धोने के लिए है, कुछ समझ में नहीं आता, अभी टाइम ज़्यादातर नहीं दे पाती हूँ। कुछ फ्रेंड बोलते हैं कि मिट्टी का काम दिखाओ अच्छा लगता है, लिपाई पुताई का काम दिखाओ, बट फ्रेंड्स अभी टाइम जो है वो नहीं दे पा रही हूँ, जब खेत के काम से फ्री हो जाऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी गाइस, पूरी कोशिश करूँगी दिखाने का, आप लोग निराश मत होइएगा। मैं सबका कॉमेंट पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का छोड़ देती हूँ, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करने की कोशिश करूँगी गाइस, बट अभी थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, और अकेली पड़ जाती हूँ घर पे, छोटी के पापा जी तो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और मैं अकेले हो जाती हूँ तो इधर से उधर बाहर का भी काम हो जाता है घर का भी, तो इसलिए नहीं हो पाता है। तो गाइस देखिए हम लोग ना हल्दी इसी से पिसाई करते हैं और मैं हल्दी सब डाल चुकी हूँ अपने सब्जी पे, देख रहे हैं बहुत मतलब लेट लगता है हल्दी भी पिसाई करने के लिए इसमें। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग जो है ना खाना पीना खा करके अभी 11 बजे खेत में पहुंच गए हैं गाइस, बहुत जल्दी तो होता नहीं है घर का काम, 10 बज ही जाता है और जाते जाते देखिए 11 बज गया और अभी हम लोग काट रहे हैं। और आज जो है गाइस हम लोग बनिहारी लेके गए हैं क्योंकि छोटी के पापा के साथ फर्स्ट दिन दो ही जन थे ना, तो काम हुआ भी नहीं ज़्यादा, और कमर की भरोसा होता है काम धान कटाई, आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा कमर दर्द कर रहा था, इसलिए उसके पापा बोले मेरे से नहीं हो पाएगा रोज़ रोज़, और सही बात है, औरतों का काम जो है लड़के लोग दिन भर नहीं कर पाते हैं गाइस, उनका भी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था, इसलिए बनिहारी ले कर के गए हैं, तीन जन लेके गए हैं, तो मेरे लगे चार जन हो गए हैं हम लोग बनिहारी, तो काट रहे हैं गाइस चारों मिल करके। तो देखिए गाइस अभी दोपहर टाइम हो चुका है और एक ठो खेत मतलब काट के कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए हैं गाइस दोपहर का। तो गाइस खाना तो मैं ले करके नहीं जा पाती हूँ क्योंकि अकेली हूँ और इतने जन के लिए बना नहीं पाऊँगी, इसलिए रोटी बनाई थी और छोला बना दिए थे साथ में, तो उसी को लेकर के गए हुए हैं, तो अभी मैं उसी को बनिहारी लोगों को दूंगी खाने के लिए। और हम दिन भर काम करते हैं फ्रेंड्स तो भूख लगने लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ नाश्ता थोड़ा सा पकड़ के ले जाती हूँ और उन लोगों को भी दे देती हूँ। तो गाइस उन लोग जो है ना अब नीचे बैठे हुए थे खेत पे, और बहुतों को तो पता है कैमरा से एलर्जी होता है, नहीं मतलब अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो लोग नीचे बैठे थे, इसलिए मैं हम लोग ऊपर में थे छोटी के पापा के साथ, तो यहीं से मैं उनको दे दी गाइस रोटी
और छोला नाश्ता करने के लिए, तो उनको दे चुकी हूँ गाइस, और छोटी के पापा के लिए और मेरे लिए जो है वो निकाल रही हूँ मैं रोटी। और कोयला आग से तो सेकाई की थी मैं, लकड़ी आग से बनाई थी लेकिन कोयला आग से सेकाई की थी, इसलिए थोड़ा जल गया है मेरा रोटी। तो गाइस हम लोग दोपहर का जो है ना नाश्ता करने के बाद देख सकते हैं हम लोग फिर से काटना स्टार्ट यहाँ पर काट कर दिए हैं देख सकते हैं। और अभी जो है 5 बजने वाला ही है लगभग, तो गाइस अभी ज़्यादा नहीं कटाई हो पाएगा। और धान भी थोड़ा सा उधर से इधर सो गया है हल्का हल्का, ज़्यादा तो नहीं सोया है इसलिए जल्दी जल्दी काटने को भी नहीं बनता है। और बहुत ज़्यादा आज थकावट लग रहा है, कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है गाइस, लग रहा है आज घर जाने के बाद सीधा सो ही जाऊँगी मैं, तो खाना सब्जी कुछ ना बनाने वाली गाइस क्योंकि बहुत अधिक थक गई हूँ आज। इन लोगों के साथ ही तो बैठने का चांस ही नहीं मिला, छोटी के पापा के साथ रहते थे तो बैठती थी थोड़ा बहुत और वो भी बैठते थे। तो देखिए गाइस सूर्य जो है देखिए इधर हो गया है, डूबने वाला है गाइस। तो फिलहाल अभी शाम हो चुका है और हम लोग खेत से निकलने के बाद नहीं दिखा पाई क्योंकि घर आते आते हम लोग को शाम हो गया और बनियारी भी लेके गए थे तो छोटी के पापा जी उनको पहुंचाने के लिए चले गए, फिर दोबारा से हम लोग को लाए, तो ऐसे में शाम हो गया। 5 बजे हम लोग निकले थे खेत से, मतलब 5 बजे खेत से निकले और बाहर निकलते निकलते तो सूर्य ही मतलब डूब गया और घर आते आते ज़्यादा अंधकार हो गया। और घर आने के बाद फिर बच्चे लोग भी घर पे नहीं थे, फिर उन लोगों को मतलब घर पे लाए तब तक और अंधकार हो गया था। और आज बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं इसलिए आज मैं खाना सब्जी कुछ भी नहीं बनाई, बस सुबह का जो खाना सब्जी था उसी को सब कोई खा लिए और बच्चे लोग दिन भर खेले थे तो उन लोग भी अभी तुरंत खाए आने के बाद घर पे, जो बचा था वही ठंडा खाना उसके पापा भी उसी को खाए और अभी सब कोई फिलहाल सो रहे हैं गाइस। तो आज हम लोग जल्दी सो रहे हैं, 7 बजे ही सो जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं आज। फर्स्ट दिन तो थोड़ा कम ही थके थे क्योंकि हम लोग छोटी के पापा के साथ 2 जन ही बस थे खेत पे, तो थोड़ा आराम आराम से काटते थे, लेकिन आज जो है बनियारी थे साथ में तो बैठने का चांस ही नहीं मिल रहा था, हम लोग के साथ साथ में काटना पड़ रहा था गाइस, तो आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आज का वीडियो यहीं से अंत करती हूँ गाइस, बाय।